गुड मॉर्निंग एट क्लास. टुडे वी हैव प्रेजेंटिंग अ न्यू पोयम दैट्स नेम ज्योग्राफी लेसन. सो इन दिस पोयम वी हैव सो मच ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी कंपोज इन दिस पोयम. सो दिस पोयम नेम इज ज्योग्राफी लेसन. सो शैल वी स्टार्ट दिस पोयम. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground. So in this poem, the poet says, have you seen your earth before over the upper height of this earth? यानी कि बहुत ऊंचाई से आपने कभी अर्थ को देखा है. Neatly planned and perfect in portions like a geometric design. यानी कि neatly अच्छे से plan करी हुई perfect तरीके से geography design की हुई. This earth is look like up at the all above the surface. It would strike you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it. Here is a poem description of such a view of the city and some questions that come to your mind. So in this poem, the poet says, poet described this poem. So shall we start this? When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seems an inevitability about what on ground had looks, haphazards, unplanned and without style, when the jet springs into the sky. So in this paragraph, the poet says that when he come over the surface of the earth, so it looks very clear all about that. It's seeing so much of things, it's seeing a big earth is become a very small things. So, फिर से देखिए कि इसमें क्या है. जब जेट जो है, एरोप्लेन जो है, स्प्रिंग यानी कि राइज ऊपर की ओर उठता है तो स्काई में ऊपर की तरफ उठता है. इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो वो साफ तरीके से देख सकते हैं सिटी को. हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जो भी उनके पास वे है देखने का उससे अच्छे से देख सकते हैं. सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, कैसे ये अर्थ जो है माइल से इंचज़ में कन्वर्ट हो जाती है. इट मीन्स कि कभी भी हम किसी चीज़ को ऊंचाई से देखें तो वो हमें छोटी लगने लगती है. There seems an inevitability about what on ground had looked haphazards. तो हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से, ठीक है, इनवाइट जो अवॉइड नहीं की जा सकते बिल्कुल, किसी कैसे जो ह्यूमन से उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं अनप्लान्ड. किसी ने कहीं पर वॉल बनाई है, कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं है. When the jet sprang into the sky, जैसे कि स्काई में जो जेट है वो ऊपर की तरफ उठता है. सो दिस things described in this poem. Second is, when the jet reached 10,000 feet, jab jet jo hai, jet means aeroplane, 10,000 feet mein pahunch jata hai, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delighted when the jet reached 10,000 feet. So in this poem, the poet says, when the jet has reached on the upper surface 10,000 feet, so it's very clearly see the rivers, the valleys, and how we the peoples lived, bank of the rivers and bank of the valleys. And in this poem, these actually see this the logic of geography. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी कहती है कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जहाँ पर अच्छी लैंड होगी और वाटर होगा वहाँ पर क्या करते हैं हर लोग, ये चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है यहाँ पर सिटीज़ बनाने के लिए, ठीक है. फिर व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, और जब 10,000 के फीट में चले जाता है तो ये देखते हैं कि कैसे एक ज्योग्राफिकल चीज़ें भी इंसान को अट्रैक्ट करती हैं अपना घर बनाने के लिए, ठीक है. व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, अब देखो थर्ड इज व्हेन द जेट, अब जेट कहाँ पे पहुँच गए, 6 miles हाई, बहुत ऊपर पहुँच गए हैं. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, सो इन दिस स्पेस वो साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से अर्थ क्या है, पूरी तरीके से राउंड है. एंड दैट इट हैड मोर सी दैन द सन, मोर देन लैंड, तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है जब वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि वहाँ पर अर्थ में लैंड से ज़्यादा सी है, यानी कि जो भूमि है रहने के लिए उससे ज़्यादा यहाँ पर ओशंस हैं. बट इज़ द लास्ट पैराग्राफ, ही चेंज हिज थाट, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर यह समझना बहुत ही कठिन है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल. From that height, it was not clear why. In this last paragraph, he says that, but is what difficult to understand. पर अगर मैं कितनी भी ऊंचाई में चले जाऊँ ये मेरे लिए समझना बहुत ही कठिन है कि that man on the earth found causes to hate each other.
इंसान क्यों एक दूसरे से हेट करने लगते हैं, ठीक है। टू बिल्ड वॉल्स, क्यों सिटीज़ के बीच में ये वॉल्स बनाते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, क्यों इंसान इस अर्थ में ऐसा करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कितनी भी हाइट पर पहुँच कर ये चीज़ साफ से नज़र नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। दैट्स वेरी गुड पोएम, ठीक है। जुल्फिकर घोष ने कंपोज दिस पोएम, सो अगेन रीड दिस पोएम लाउडली एट योर होम्स एंड राइट दिस पोएम इन योर कॉपी।